चाहूँगा कि जो JML जो नाम है और N Audio दोनों क्या क्या किस चीज़ के नाम है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। जैसे कि ना मेरा जो चेसिस पेपर स्पाइडर कॉइल है ना, ये सबका एक्सपीरियंस है मेरे को, तो मैं सोचा क्यों ना एक स्पीकर अपना बनाए। कैसे रिस्पॉन्स? उसका रिस्पॉन्स ऐसा है कि हम डबल भी लगाएंगे ना, डबल 12 इंची में वो फाइल है जो 60% वॉल्यूम में वहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है मशीन। इसके अंदर जो बीच की गिट्टी रहती है, हाँ। तो गिट्टी में ना एयर वेंटिलेशन बने हुए अलग से, डबल स्पाइडर लगा हुआ विथ रिंग के साथ में, हीट सिंक की प्लेट लगी हुई है इधर। ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं इसी में बाहर का जो मॉस्फेट है वो सेट, मतलब येलो रेड तो छोड़ो, येलो तक भी येलो टर्बी टच नहीं कर रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोगों का कमेंट था कि JML का वीडियो बनाए, क्योंकि मैंने खुद पूछा था कि कौन से स्टॉल का आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, और मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे JML के जो कि स्टॉल के ऊपर, कि JML N Audio क्या कुछ, इन लोगों का मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब चीज़ों में, तो मेरे भी खुद के क्वेश्चंस थे और आप लोगों ने भी कमेंट में कहा था JML के वीडियो के लिए। तो अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ JML के स्टॉल के पास में, और अंदर चलते हैं, क्या कुछ प्रोडक्ट है, क्या कुछ स्पीकर्स के शोकेस हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ों के डिटेल्स, मॉडल्स और प्राइसिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नितेश भैया, जो कि JML N Audio के मेन प्रोपेटर। तो भैया, एक बहुत क्वेश्चन था, मतलब लोगों के बीच में भी क्वेश्चन रहता है, जो JML जो नाम है और N Audio दोनों क्या क्या किस चीज़ के नाम है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बहुत रहता है लोगों के बीच में। बहुत कन्फ्यूज़न भी है हमारे दर्शक, हमारे जो कस्टमर है उनके लिए भी। एक्चुअल में N Audio ना, मेरा नाम नितेश है। अच्छा। मेरे को नितेश के नाम से सब जानते हैं जी, जी। तो N Audio का रखने का मकसद वही था कि नितेश N Audio है ना। तो बेसिकली जो आपका जो डीलरशिप है, जो मेन आपके शॉप का नाम है N Audio। हाँ, N Audio शॉप है। एक्चुअल में मेरा काम है इस साउंड लाइन में, मैं पिछले 10-12 साल से रिपेयरिंग का काम करता हूँ। उस चीज़ में मैं पहले से आपको जानता हूँ रिपेयरिंग के लिए। लगभग छत्तीसगढ़ से आसपास के 400-500 किलोमीटर दूर से, आपके बालाघाट हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोंदिया भंडारा, और आप इधर जबलपुर तरफ से M3 से, मेरे पास उड़ीसा से कस्टमर आते रहते हैं रिपेयरिंग के लिए, और उससे मेरी पहचान बनी थी रिपेयरिंग के नाम से। तो बहुत लोग ऐसे कस्टमर है चाहने वाले जो बोलते हैं भैया आप जब प्रोडक्ट सेल करते हो, है ना, मैं रिपेयरिंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सेल करना चालू किया था। अच्छा, कौन कौन से स्पीकर अच्छे हैं, सब स्पीकर की रिपेयरिंग करता हूँ मैं, है ना। उससे मेरे को लगा JML सबसे अच्छा स्पीकर है। अच्छा, ये कब स्टार्ट किया आप? मैं इसको स्टार्ट किया हूँ लगभग 2013-14 से। तो मैं JML का प्रोडक्ट इसलिए बेच रहा हूँ कि जब मैं रिपेयरिंग कर रहा था पहली बार, जब उस समय मेरे को ना बहुत कुछ इसमें अल्टीमेट लगी थी, मतलब जोरदार चीज़ है ये मैग्नेट स्पेडर पेपर कॉइल वगैरह। और कई कस्टमर जो उस समय जिसको दिया हूँ मैं JML, आज तक की उसकी जाली खोल के स्पीकर निकाले नहीं। उसमें एक गुप्ता जी हैं यहाँ पर, है एक्सपो टीम में, वो चला रहे हैं, वो मेरे पास आके उसकी तारीफ करते हैं। रिपेयरिंग कर रहे दौरान भी मुझे बहुत कुछ अच्छी चीज़ मिली, वॉइस कॉल वगैरह सब इम्पोर्टेड। तो ना मैं उसको चालू किया, JML एक स्पीकर की कंपनी है। JML के भी बहुत सारे स्पीकर अंदर रखे हुए, सारे चीज़ों के वन बाय वन हम डिटेल्स जानेंगे। तो भैया, जैसे रिपेयरिंग के साथ साथ मैंने सुना था कि मैन्युफैक्चरिंग भी आप स्पीकर का खुद से करते हैं जी, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि ना मैन्युफैक्चरिंग है कि मैं मैग्नेट जो आते हैं, हाँ, है ना, मैग्नेट बॉडी चेचिस उसकी, पेपर रिपेयरिंग ऑलरेडी करता ही हूँ मैं, है ना, पुराने स्पीकर जो आते हैं रिपेयरिंग, उसे पेपर इस बार कॉइल में डालता ही हूँ। कस्टमर जो बोले भैया आप रिपेयरिंग करते ही हो, अच्छा साउंड निकलता, सेम टू सेम बजता है स्पीकर, तो आप खुद के क्यों नहीं बनाते करके ना मेरे दिमाग में आया चीज़। तो मैं सोचा क्यों ना एक स्पीकर अपना बनाया जाए, अपना ब्रांड है ना। तो मैं N Audio का एक स्पीकर बनाया हूँ जिसको 400 वाट हो गया, 18 इंची हो गया अपना, 4.51, ये सब स्पीकर मेरे कस्टमर को जो मतलब कस्टमर डिमांड करती है कि आपका स्पीकर चाहिए मेरे को, उसको मैं देता अभी बना के। जैसे कि अभी अगर आप इधर देखेंगे तो ये आ गए राधे भाई, ये हमारे राधे भाई हैं। बताओ राधे भाई कहाँ से चल रहे? तो ये बेसिकली जो आपका जो N Audio का स्पीकर है वो यूज़ कर रहे हैं। ये N Audio का जो मेरा नितेश असेंबल स्पीकर है 400 वाट, वो यूज़ कर रहे हैं। आप बताओ राधे भाई कैसे रिस्पॉन्स? उसका रिस्पॉन्स ऐसा है कि हम डबल भी लगाएंगे ना, डबल 12 इंची में वो फाइल है जो भाई बना के दिए ना, असेंबल करके खुद से वो स्पीकर। तो ऐसा कुछ दिक्कत उसमें ऐसा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, आज तक होगा उसको 5 साल चलाते हुए एक बार रिपेयरिंग नहीं हुआ है। वो जो भैया बना के दिया ना वो कंटिन्यू चल ही रहा है, सिर्फ एक बार बार रिपेयरिंग हुआ है, वो सिर्फ उसका तार टूटा है। तार टूटना तो इतना बड़ी बात है नहीं, आज के रेट में वो कॉमन चीज है। रिपेयरिंग नहीं हुआ है 5 साल में, एक भी स्पीकर रिपेयरिंग नहीं हुआ है। 8 पीसी का भाई का 8 पीसी स्पीकर है मेरे पास,
एक भी नहीं हुआ। तो जैसे कि ये राधे भाई हमारे चंगरो माटा के, ये मतलब बनवाए थे और इतने खुश है कि मेरे को अभी तक बोलते आ रहे कि नितेश भाई आपका वो स्पीकर फिर से मेरे को बना के दो। कुछ कारण से मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको सेल, अभी इसको सेल आउट बोर्ड को मतलब इस पर ध्यान दे रहा हूँ, जेएमएल के ध्यान दे रहा हूँ मैं। और जेएमएल के प्रोडक्ट बहुत ही जोरदार चीज़ है, मतलब इसमें मेरे हाथ डालो, मतलब मैं सब प्रकार के स्पीकर बना चुका हूँ, उसके बाद इसमें मैं हाथ डाला। एक और चीज़ भैया, जैसे पिछले बार धमतरी एक्सपो में आपका सिस्टम लगा हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उसका वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन जो इसका आ रहा था एकदम ए क्वालिटी का, जो वाइब्रेशन के नाम से आपका जो एन ऑडियो का नाम जो पॉपुलर हुआ था। हाँ। वो स्पीकर के बारे में थोड़ा सा, मतलब वो बेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसमें ना जब मैं लास्ट टाइम लगाया था, हाँ। उसमें मैं लगाया था क्योंकि देखो मैं कैबिनेट के साथ सेल करता हूँ सिस्टम, तो बहुत सारे मेरे यूज़र हैं जो, और सबसे पहली बात मैं ना मीडिया में शो आप नहीं हुआ था पहले, जी जी है ना, और डीजे वाले किसमें मेरी बहुत मतलब अच्छा क्रेज है, तो उन लोग बोले कि भैया जब आप इतना अच्छा सिस्टम बेचते हो तो आप लगाओ लगाओ एक बार एक्सपो में, सबको देखने को मिलेगा। तो पिछले बार मैं ना जब लगाया था देव भैया के बाजू में, तो मैं LF7 डाला था, उसमें 451 स्पीकर डाला था मैं, अच्छा, मॉडल वही डालने थे मेरे को, तो मैं उसको अपना डाला है ना। और उसके बाद में उसके बाजू में जो सिस्टम लगा था मेरा एनआरडीओ को, एक और सिस्टम जेएमएल करके, उसमें मैं जेएमएल का एक स्पीकर डाला था जो अभी आपको दिखाऊंगा। अल्टीमेट स्पीकर है JML 56, मतलब सदा बाहर बोलना चाहिए जिसको, मैं उसको डाला था, अच्छा परफॉर्मेंस मिला था मेरे को। वो तो बात हो गई पिछले बार की, इस बार हम रायपुर एक्सपो में खड़े हुए हैं और रायपुर एक्सपो में भी इनका जो आउटडोर का सिस्टम है, इनके जो लाइनरे की बात हो रही है, मैं लिटरली बता रहा हूँ भैया, जो लाइनरे आपका लगा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, बाहर जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो थोड़ा लाइनरे को एक्सप्लेन करेंगे क्या वॉटेज है। में ये लाइनरे हमारा ना पिछले बार धमतरी में भी लगाया था मैं, उस समय 8 की क्वांटिटी में लगाया था, सेम मॉडल लगे थे वहाँ भी, अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन वहाँ पर ना कुछ कस्टमर थे जो बोले थे मेरे को साउंड इसमें और तेज चाहिए, कई लोग की वीडियो में मैं देखा था, उसमें हम लोग इस बार थोड़ा अच्छा काम किए हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में ना उसमें मैं एक्चुअल में इसको थ्री वे कॉन्सेप्ट में बनाया हूँ लाइनर को, HF मिड और लो मिड ऐसा करके ना थ्री वे कॉन्सेप्ट में उसको बना के मैं इस बार साउंड डिस्प्ले। और उसके स्पीकर की वाटेज उसमें स्पीकर लगे हैं 700 वाट के, जो अभी आपको स्पीकर दिखाऊंगा मैं उसकी आपको जानकारी दूंगा, ये स्पीकर लगे हैं हमारे इसमें, और HF लगी उसमें 80-80 वाट की, तो उसके हिसाब से वो लाइनर का कॉन्सेप्ट हुआ, अच्छा है। हम लोग आउटडोर जब टेस्टिंग किए थे पहले, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था उसमें। जी जी जी। तो अभी हम अभी एक्सपो में कुछ प्रोडक्ट्स लगाए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप बताते, यहाँ पे जैसे कुछ लाइनरे लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो पहले लाइनरे के बारे में आप बताते। जैसे ये लाइनर है, ये सिंगल ना एक इम्पोर्टेड कैबिनेट बोलना चाहिए इसको, इसको मैं अभी एक्सपो के पहले इसको मैं डिजाइन करवा के बनवाया था इसको। मतलब आपका खुद का डिजाइन क्या हुआ? डिजाइन मतलब मेरा किया हुआ है, लेकिन ना बनाने वाला बाहर का है, मुंबई से आया कैबिनेट है ना। इसमें आपको सिंगल 12 इंची प्लस एक HF मिल जाएगी, और इसका आप लुक देखेंगे ना तो ये लुक अल्टीमेट लुक है, एकदम इम्पोर्टेड कैबिनेट का लुक इसमें दिया गया है। इसमें इसके नीचे में सिर्फ आपको 12 और HF डबल मिल जाएगी, ये भी मतलब बहुत अच्छा पेंट की क्वालिटी है, वाटरप्रूफ पेंट है, और बहुत जोरदार मतलब माल उसको हम लोग बनवाए हैं डिजाइन करवा। और उसके आगे थोड़ा से आएंगे तो ये अपना है PT प्लस का एक, समझ जाओ एक उसका मिला के एक बनाया गया लाइनर, ये जो हैंगिंग पट्टी है ये आपको सिंगल में बहुत कम देखने को मिलेगी, ये आपको यूनिक वे है थोड़ा सा हैंगिंग का। जी जी जी। इसमें डबल देखने को मिल जाता मार्केट में, लेकिन सिंगल इसको मैं बनाया हूँ, क्योंकि क्या है हमारे जो डीजे वाले कस्टमर भाई लोग हैं, सामान को जब ऊपर बांधते हैं क्वांटिटी लगती है, तो वजन मत पड़े इनको, और दो आदमी चढ़ के आराम से हैंग कर ले, इसी कारण से हमारे सिंगल बेस का भी थोड़ा सा चलन बड़ा है। जी, ये अगला आ गया है, अभी ये मुंबई एक्सपो में लगा हुआ था ये। अच्छा। तो मतलब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इसका पट्टी के डिजाइन वगैरह ना, बहुत अल्टीमेट थी लाइनर में, सिंगल 12 है ये और सिंगल HF लगा हुआ है। इसमें ना 8-12 का फ्लेयर कटर रहता है, इसमें आप 12 भी, जैसे कोई कस्टमर रहते हैं मेरे को डबल HF चलानी है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या करते हैं हम लोग, फ्लेयर का साइज 8-12 कटा दिए हैं, इसमें आप डबल HF डाल के चला सकते हैं ऐसा। और बेसिकली ये जो कैबिनेट है और ये इसमें स्पीकर है, वो कौन सा है? इसमें स्पीकर अभी ना ये खाली कैबिनेट रखे हुए हैं। जी, इसमें स्पीकर ऐसे रहते हैं कि कई कस्टमर कह रहे थे 400 वाट डालने हैं, कई कस्टमर कहना है कि 600 वाट डालना है, तो मैं उसको इसलिए रखा हुआ हूँ खाली। इसमें 400 वाट से 600 वाट तक के आप कुछ भी डालो, जोरदार परफॉर्मेंस रहेगी। और यहाँ पे है जिस चीज़ का मैं बहुत कंफ्यूजन रहता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे JML के स्पीकर के सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा बताते हैं स्पीकर के बारे में। ये आपका JP530 मॉडल नंबर, ये 15 इंची है, 350 वाट का JML का स्पीकर। सबसे अच्छी खासियत है ये ना मलेशिया कोन पेपर लगे हुए, अच्छा,
वॉइस कॉल भी मलेशिया की है, बहुत तगड़े स्पीकर है ये। मीट परफॉर्मेंस के लिए लाइव कार्यक्रम चलाओ चाहे आप डीजे में चलाओ, इसको बहुत तगड़ा इसका परफॉर्मेंस है। अब इसके आगे अपन थोड़ा सा आते हैं, तो ये एक ना अल्टीमेट आइटम है 10 इंची में ये आपका 10 इंची का है, आपका 350 वाट का मीट। इसमें ये 8 ओम में भी मिल जाता है, ये 16 ओम में भी स्पीकर अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, है ना। अब उसका थोड़ा सा आगे आएंगे, ये अपना हॉट सेलिंग मॉडल है 1290-129। ये आपका मीड, जो मीड बोलते हैं ना, अरे यार मीड चल रही है साउंड में, यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद मीड समझ नहीं आता। हाँ। ये स्पीकर में ना आवाज़ आपको शुरू से आखिरी तक वही प्रो मिलेगा, और इसकी आवाज़ की क्लियरिटी और टोन बहुत तगड़ी है, स्टार्टिंग से लास्ट तक सेम क्वालिटी उसमें मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। सेम उसका एक मॉडल आया है प्योर मीड में, अच्छा 1290-128, ये 129 है ना। इसमें ये मॉडल एक है प्योर मीट का, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे को बेस नहीं चाहिए, मेरे को मीट की आवाज़ ज़्यादा चाहिए, उसके लिए ये मॉडल बनाया गया है न्यू डेनियम है जी। इसकी खासियत ये है, ये 12 NDL 76, ये आपका स्पीकर है लाइनर के लिए स्पेशली, अच्छा हाँ लॉन्ग थ्रो, और इसका मतलब एक हीट प्रूफ है समझ के चलिए। जैसे साउंड चलता रहता है ना, तो स्पीकर क्या गर्म होते 3-4 घंटे चलने के बाद में, हाँ। ये उतना गर्म नहीं होगा और अपना परफॉर्मेंस रेगुलर रखता है। न्यू डेनियम स्पीकर के और भी बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं आपको बताना चाहूँगा। वेट में बहुत हल्का रहता है, जैसे यहाँ पर आपको 2 स्पीकर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जैसे बहुत हल्का है, इसको उठाने के लिए थोड़ा सा मुझे मशक्क़त करना पड़ रहा है, तो इसके कारण उसका परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है, साथ ही साथ वेट में भी हल्का है, तो उसके कारण जो हमारा कैबिनेट वो भी थोड़ा सा हल्का हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा 18 इंची में, ये भी एक हॉट सेल मॉडल है मेरा, GML का TVX100, ये आपका 1200 वाट में आएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। इसका भी जो पेपर है स्पाइडर है, बहुत ज़ोरदार इसका पंच है, ये आपके सिंगल फ्रंट के लिए बहुत तगड़ा स्पीकर रहेगा, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। इसके आगे जस्ट इसका बड़ा भाई आपका JTVW100 करके, ये आपका 1500 में आएगा। इसका जो है हमें चेची है वो भी थोड़ा सा हैवी जी, हैवी चेची से इसके ना कंप्लीट जो भी इसकी स्पीकर के इसके मॉडल है, इसके चेची स्पाइडर पेपर मैग्नेट ये प्लेटें, इसका बहुत बड़ा काम होता है स्पीकर में, जो प्लेट का डिजाइन है इसका, ये भी इम्पोर्टेड स्पीकर आपका स्पाइडर इम्पोर्टेड रहेगा इसमें, और इसके पेपर वगैरह बहुत ज़ोरदार चीज़ है, ये भी अल्टीमेट आइटम है, इससे बड़ा मॉडल है ये। और इसके बाद अपन आए PD में 1852, ये PD आपकी 5 इंची वॉइस कॉल में रहेगी, 4 टुकड़ा इसका मैग्नेट है, मार्केट में बहुत सारी PD देखने को मिल जाएगी आपकी, इसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। पेपर स्पाइडर जैसे उसके बाद आया मैं, इसके पेपर स्पाइडर के बहुत ज़ोरदार इसका हुआ है, क्योंकि मैं स्पीकर रिपेयरिंग करता हूँ, तो बहुत तगड़ा इसका पेपर स्पाइडर लगा हुआ, ग्रेड बहुत अच्छे का है, अच्छे ग्रेड का माल है। उसके बाद अपन आएंगे इसमें, ये एक मॉडल आया हुआ है अभी नया लॉन्च हुआ है आपका जी, इसका मॉडल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी, PD 207, ये भी अल्टीमेट परफॉर्मेंस है इसकी, और अच्छा मॉडल JML सेलेक्ट करके लॉन्च किया है। अब थोड़ा सा उसके आगे आऊँगा, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, JML 56, ये जो स्पीकर है ये है इसका मतलब क्या बोलना चाहिए, सबसे अल्टीमेट मॉडल, बहुत हॉट सेलिंग मॉडल है, जैसे पुणे हो गया और मुंबई हो गया, यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, जहाँ कस्टमर यूज़ कर रहे हैं, और अपने छत्तीसगढ़ में भी जो कस्टमर इसको यूज़ कर रहे हैं ना, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसमें खासियत क्या है, इसके जो एयर पास, ये यूनिक बॉडी है, इसके पूरे एयर पास बने हुए हैं। इसको मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जनरली आप किसी भी, जैसे हमारे मॉस्फेट एम्पलीफायर्स में भी, ये उसके फैन के आजू बाजू में या जहाँ पे उसका मेन प्रोसेसर होता है उसके आइट साइड में, ये सेक्शन इस टाइप से डिजाइन किया हुआ बना रहता है, वॉइस कॉल रहती है उसको ना हीट नहीं होने देता ये। हाँ, वो उसको हीट होने नहीं देता, और आपको जैसे ही पता है कि ज़्यादा हीट होने से जो हमारे तार वगैरह टूटने का दिक्कत रहता है, उस सबसे आप इजीली इससे बच सकते हैं। और इससे आगे हम चलते हैं हमारे अगले मॉडल पर, ये इसकी अगला मॉडल है, ये JML आपका 18L57A, ये जो JML का जो बोलते हैं ना पर्सनल मॉडल, पर्सनल मतलब जो खुद डिजाइन करवाते हैं, हालांकि सभी मॉडल डिजाइन करवाए हैं, बट ये यूनिक बॉडी वाले ये 2 मॉडल है जी जी जी, ये 57 है आपका, इसमें 5 इंची वॉइस कॉल रहेगी, और ये स्पीकर है स्कूप के लिए ताबड़तोड़ अल्टीमेट स्पीकर है स्कूप के लिए, 5 इंची वॉइस कॉल है। और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, इसमें ये जैसे कि कैप कटती है, इसमें जो वॉइस कॉल रहती है इसके अंदर जो बीच की गिट्टी रहती है, तो गिट्टी में ना एयर वेंटिलेशन बने हुए अलग, मतलब इसको कंपनी ने फोकस किया हुआ है पूरे पूरे कि इसको कूल रखा जाए जी। और सभी को पता है कि कूलिंग के बाद तार वगैरह टूटने का दिक्कत है, वो सबसे आप बच सकते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको इसमें मिलने वाला है। सबसे अच्छी खासियत है कि सभी स्पीकर तार टूटते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कोई कंपनी का नाम लेके, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसके जो वॉइस कॉइल में कूलिंग लगी हुई है, वेंटिलेशन बना हुआ है,
इससे आपका कॉइल जो है ठंडा रहता है, परफॉर्मेंस करते जाएगा स्पीकर, कॉइल हीट होगा अपने आप ठंडा होते रहेगा, तो जो कॉइल उड़ जाती है कई स्पीकर की बहुत जल्दी, तो इसमें वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। इसके अगर थोड़ा सा आगे आए अपन तो ये JPDX 1855, ये आप 14,000 के आसपास रेट में ये JML अपना एक प्रोडक्ट निकाला है जी जी। इसके भी 4 मैग्नेट हैं और अल्टीमेट बॉडी है इसकी। ये दिखाना चाहूँगा इसका स्पाइडर और पेपर, डबल स्पाइडर लगा हुआ विथ रिंग के साथ, तो ये अपन जितने भी परफॉर्मेंस अपन साउंड खोलेंगे ना तो ये डैमेज नहीं होने देता स्पाइडर को, मतलब नेक्स्ट लेवल का इसका परफॉर्मेंस होने वाला है। वोल्टेज क्या है इसका? ये आपका 2000 वाट में आएगा, ये 2000 वाट में। अब उसे थोड़ा सा अगर अपन आगे आए तो ये मॉडल एक अभी नया लॉन्च किया है JML ने पब्लिक के डिमांड पे, मतलब यूज़र जो है वो डिमांड कर रहे थे कि भैया हम लोग 451 चला चुके हैं, हम लोग उसके कुछ यूनिक आप बनाए करके। तो ये आपको दिखने में ये दिख रहा है 451 का, लेकिन इसमें एयर वेंटिलेशन जो बड़े बड़े दिए हुए हैं और इसमें एक हीट सिंक का प्लेट लगी हुई है इधर और इसमें दूसरी खासियत ये है आपकी जो सबसे इसकी स्पीकर को यूनिक बनाती है, स्टील की रिंग लगी हुई है इसमें जिसमें स्पाइडर लॉक है। जब ये पेपर स्पाइडर ऐसा वर्क करता है तो कई स्पीकर में यहाँ से स्पाइडर उखड़ने और उसकी शिकायत चालू हो जाती है। ये इसको अपन ध्यान दे के ना इसको डिजाइन करवाए थे जी जी जी, है ना, तो ये मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, स्पाइडर इसमें नहीं होगा, रिंग लगी हुई है इसमें अलग से जी जी जी। और उसके आगे अब थोड़ा सा अगर अपन आगे जा जाए तो फिर से हमारा न्यूडेनियम आ गया। ये आपका न्यूडेनियम स्पीकर 18XW115 ये इसका मॉडल नंबर है और ये स्पीकर की 4.5 इंची वॉइस कॉइल है, न्यूडेनियम में 4.5 इंची वॉइस कॉइल है इसकी। और इसकी खासियत है कि जैसे हमारे कस्टमर कही रहते हैं साउंड चलाने वाले भैया कैबिनेट बहुत ज़्यादा वजन हो जाते हैं, तो वजन को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने ये मॉडल बनवाई है और इसमें जो ना आपका परफॉर्मेंस 4.5 इंची की मिलेगी ही 451 की, बट वेट हल्का हो जाएगा कैबिनेट आपका, परफॉर्मेंस वही रहेगा स्पीकर। ये है प्रेशर मिड, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा प्रशांत भाई, ये जो प्रेशर मिड है ये JML का डिजाइन किया हुआ प्रेशर मिड है, जो हमारे जमील अंकल जी हैं बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, ये डबल डायफ्राम डला हुआ है जी। अब डबल डायफ्राम का जो काम है ये मीट को फिल्टर करके निकालता है बाहर, है ना, तो ये यूनिट की खासियत है ये एक्चुअल में है आपका 400 वाट का जी, जैसे आप देखेंगे ये 400 वाट का है और इसकी खासियत है बहुत सारे कंपनी के प्रेशर मीट आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत कम रेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो रियल प्रेशर मीट की जो परफॉर्मेंस है 400 वाट में ये आपको ना मीट की जो फ्रिक्वेंसी है वो एकदम बराबर मतलब देता है पब्लिक को फील, जैसे मेरे आउटडोर में आप सुनने को मिला होगा आपको साउंड, उसमें ना आपको इसका टेस्ट मिला होगा सुनने के लिए, कुछ मात्रा में लगाया हूँ, 4 पीस कुछ लगाया हूँ उसमें मैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है इसमें। अब उसके आगे आऊँगा मैं, ये मिक्सर है JML का 3 चैनल वाला M4 करके मॉडल है, तो ये कुछ ये एक्चुअल में भी जैसे कस्टमर चलाते हैं हमारे डीजल कुछ ब्रांड के मिक्सर चला रहे हैं, उसमें ना ये JML का एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसके स्लाइडर बहुत ही स्मूथ है आपके, है ना, और जल्दी ख़राब भी नहीं होते, डस्ट प्रूफ इसमें वो लगी हुई है आप, और इसका जो गेन है ये और जो फोर्स से बोलना चाहिए साउंड चलने में जो आउटपुट जो खुलता है बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसको मेरे को एक कस्टमर लेके गया ट्राई में और वो मेरे को बताया कि भैया बहुत ज़ोरदार चीज़ दी आप, ये अभी समझ जाओ एक मॉनिस्टर बोलना चाहिए मैं अपने इसमें बोलूँगा, डबल मैग्नेट लगा हुआ है ठीक है, और ये मेरे ख्याल से 330 मैग्नेट के स्पीकर है, अभी 303 साइज मैग्नेट बोलते हैं जो लॉ साइज होते हैं स्पीकर्स के, और एक्चुअल में ये 3000 वाट का स्पीकर है, 3000 वाट का 21 इंची का स्पीकर है ये जी जी। इसकी बॉडी है PD बॉडी में इसको डिजाइन किया गया है और इसमें सबसे अच्छी बात बताओ प्रशांत भाई, इसमें ना 4 स्पाइडर लगे हुए, 6 इंची वाइस कॉइल है इसकी और इसके पेपर वगैरह ये सब मलेशिया कौन ही यूज़ करते हैं, मैं तो उठा भी नहीं पा रहा हूँ इसको, ये आपके देखिए लिटरली मतलब हैवी 3000 वाट। और हाँ लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये हैवी है वजन है बट इसकी परफॉर्मेंस जो 21 इंची में रहती है अदर कंपनी से बहुत ही ज़्यादा लाउड है ये, बहुत ज़्यादा सक्सेस मॉडल है ये। अब वैसे तो प्राइसिंग बहुत सारे चीज़ों के मैंने पूछे नहीं, बट इसका मैं प्राइस पूछना चाहूँगा क्योंकि ये एक्चुअल में हम लोग मार्केट में बहुत सारे कंपनी के स्पीकर जो आते हैं है ना, 21 इंची का प्राइस थोड़ा सा 18 इंची से ज़्यादा रहता है, हम लोग इसका प्राइस रखे 27,000 रुपये, वो एक्सपो प्राइस है, एक्सपो प्राइस है, और आफ्टर भी ना मैं इसको उतने रेट में दे दूंगा मैं इसको, कस्टमर को लेना चाहता है तो बिल्कुल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल आप आइए और सेम प्राइस में आपको बाहर भी भैया दे देंगे। और एक चीज़ प्रशांत भाई इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्पीकर है इसकी हॉट सेलिंग पुणे तरफ है, पुणे आपका औरंगाबाद इधर जो 21 इंची कैबिनेट चलते हैं उसमें स्पीकर की परफॉर्मेंस मतलब अभी मुंबई एक्सपो में था मैं लास्ट समय, वहाँ पर कस्टमर आके इसकी तारीफ कर रहे थे भैया क्या चीज़ बनाए हो आप, मज़ा आ गया करे, तो वहाँ के कस्टमर अगर किसी के उसमें संपर्क में होंगे तो उनसे वो जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जानकारी बेस्ट कौन देगा जो यूज़ कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है
तो उसके मतलब एकदम खिलने से यूज़ कर रहे हो ज़्यादा अच्छा बताएगा, है ना। तो उससे आप पुणे वाले हो गए, औरंगाबाद वाले, किसी जो कांटेक्ट होता है ना, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। और उसके बाद आऊँगा, ये भी एक डीजे मिक्सर है, ये है आपका 5 चैनल का डीजे मिक्सर JBL M6। जैसे M3 था, M4 था, वैसे M6 है। USB इसमें अटैच है आपका, बहुत ही अच्छा आउटपुट है। और सबसे अच्छा इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, ये आपका XLR दिया हुआ है। ओके, इसी में इनबिल्ट आपको जी मिल रहा है, ये इसकी अच्छी खासियत है। अच्छा, बहुत अच्छा आउटपुट है इसका। और उसके बाद अपन प्रशांत भाई, ये स्पीकर जो अभी मेरे पास जितने काउंटर में आ रहे हैं, सबका कहना है कि आप लाइनर में क्या डाले हो स्पीकर। तो मैं सबको लाइनर लगा जी हाँ, आउटडोर में जो लाइनर लगा है मैं बताना चाहूँगा। ये मेरा है त्रुपको एक्का X351, ये स्पीकर आपका 12J X351। ये स्पीकर मेरा मतलब प्राउड है इसमें मेरा। ये इसका वाटेज 700 वाट के स्पीकर है ना। पावर पिक है इसका 1400 वाट। इसकी फ्रिक्वेंसी आपको 45/225 होता है, हॉर्स तक की रहेगी। आप 3.5 इंची वॉइस कॉइल है इसका, और पेपर इसमें इंपोर्टेड और पाउडर इंपोर्टेड। और ये स्पीकर है प्रशांत भाई, जो एक बार डाला लाइनर में, 3 से 4 साल से लाइनर की जाली खोल के नहीं देखा अभी तक, मतलब मेरे स्पीकर में कुछ हुआ होगा। ये मेरे को कस्टमर रिव्यू दी है मेरे को, भैया मैं इसको चला रहा हूँ, ये स्पीकर मतलब एकदम अल्टीमेट स्पीकर है। प्राइसिंग इसका 10,500 है, जो एक्सपो प्राइस भी यही है, और 12 महीना यही प्राइस रहेगा। अब उसके बाद इसमें ये इसका समझो बड़ा भाई बोलना चाहिए, ये 15 इंची का आपका MB15J X351, ये आपका 700 वाट का है, और 14 वॉट इसका पिक पावर है। तो भैया अंदर अभी स्पीकर्स के बता रहे थे, यहाँ पे कुछ JBL के एम्पलीफायर मॉस्फेट्स वगैरह देखने को, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये अपना JBL का भी इसी साल लॉन्च हुआ है J9001, ये 4 ओम्स में दे रहा है 4000 वाट। अच्छा, जो बड़े बड़े बेस चलाते हैं जो PD वगैरह 2000 वाट के, उसके लिए बहुत ज़ोरदार एम्पलीफायर है ये, और अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके बाद अपन इसको देख, ये आपका ना JBL का भी MT, जो आप सुने होंगे MT 1601, बहुत चली है, और इसका परफॉर्मेंस है 2400 वाट 4 ओम्स में देगा ये आपका, और सेम 1201 आपका 1800 वाट 4 ओम्स में देगा। भैया जैसे यहाँ पे कुछ यूनिक प्रीमियम थोड़ा सा फील आ रहा है मशीन को देखने से ही, जी जी बिल्कुल करके आप दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से, ये जो 8000 लिखा हुआ है, ये मशीन आपको आउटडोर में मेरी परफॉर्मेंस कर रही है। आउटडोर में जो बेस चल रहा है वो इस मशीन, में चल रहा है। अल्टीमेट पावर है इसमें, जोरदार मशीन है, और सबसे अच्छी खासियत जो आउटडोर में जो साउंड चल रहा है मेरा, जो भी मेरे कस्टमर सुने होंगे साउंड को, जो विजिटर है सुने होंगे, ये आपका ना वॉल्यूम ये है इसका 55% 60% वॉल्यूम में वहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है मशीन। अच्छा, मतलब ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं इसी में बाहर का जो मॉस्फेट हाँ, है वो सेट है, जी, और उसी में जो हम सुन रहे हैं परफॉर्मेंस, मतलब येलो रेड तो छोड़ो, येलो तक भी येलो टच नहीं कर रही है, है ना। ये आपका 8000 है, ये दे रहा है आपका समझ के चलिए 3600 वाट जी 4 ओम्स में, है ना। अपडेट होके आई है मशीन, ये इसके सेम वर्जन है 5000 करके। कई कस्टमर को चाहिए कि भाई 8000 बहुत भाई हो जा रही है, तो हमको छोटे स्पीकर चलाने हैं, उसके लिए 5000 है। बहुत सारे मेरे जो कस्टमर है वो यूज़ कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस बताया इसका रिपोर्ट। और इसके ऊपर अपन आ जाते हैं, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अल्टीमेट JBL 10000 जी, इसकी खासियत क्या मैं आपको बताता हूँ। इसकी खासियत है कि इसका मैं पावर ऑन करूँ, अब देखिए इसकी खासियत, ये आपका चार चैनल की मशीन एक्चुअल में, और ये मीट चलाने के लिए है। इसकी खासियत है कि DB इसमें आपको दिया हुआ है, आप जैसे वॉल्यूम को आप इधर आगे पीछे करेंगे ये आपके DB सेट करेगा। और मतलब हमको यहीं पे इसका पूरा डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, मिल जो मतलब इसका प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं, जो इसका डिस्प्ले है ऐसे प्लस पॉइंट, ये सबसे यूनिक इसमें डिस्प्ले के साथ साथ परफॉर्मेंस, आप इसमें परफॉर्मेंस में इसमें फैन देख लेंगे आप डिस्प्ले में, उसके बाद आप इसमें टेम्परेचर भी देख सकते हैं कि आपकी मशीन कितने टेम्परेचर दे रही है। ये बहुत प्लस पॉइंट है कि कई लोगों का ध्यान नहीं रहता, मशीन बहुत हीट हो रहा है, उन सब चीज़ों में हम फैन यूज़ कर रहे हैं और भी कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये डिस्प्ले जो है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जा रहा है हमारे इस मॉस्फेट के लिए। और उससे जो ये आपकी 5000 है, इसमें 6000 आएगी, ये 4000 ये वहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है मशीन मीट के लिए। अब भैया यहाँ पे नीचे मुझे कैबिनेट्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा यूनिक जैसा ये कैबिनेट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए प्रशांत भाई, ये कैबिनेट है जो ये अपना मुंबई का मैन्युफैक्चरिंग कैबिनेट है, इसकी प्लाई, इसकी खासियत क्या बताऊँ, ये इसका ना प्लाई अल्टीमेट प्लाई डली हुई है इसमें। अच्छा, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपका 47000 रुपये पेयर का है विथ कवर इसका, मतलब इसके पेंट का क्वालिटी भी थोड़ा सा
अल्टीमेट क्वालिटी है, हमें थोड़ा सा प्रीमियमनेस यहाँ पे दिख रहा है जी। और सबसे अच्छी खासियत एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी ज्वाइंट है ये पूरे ज्वाइंट आपको खांचे में मिलेंगे। जैसे प्लाई कटती है उसमें खांचा बनता है सीएनसी से, उसमें दूसरी प्लाई लॉक होती है और उसमें एयरलाइट से फिलिंग होती है। ये फेविकोल नहीं है, पूरा एयरलाइट ज्वाइंट रहेगा, मजबूती बहुत तगड़ी रहेगी। और इसके बाद अपन आना चाहेंगे, इसमें LF7 कैबिनेट है जो बाहर परफॉर्मेंस कर रहा है। LF7 ही डाला हूँ वहाँ पर, डुअल उल्टे स्पीकर लगेंगे इसमें। और इससे खासियत है कि ये प्लाई की से गूंज है, जो टन की आवाज़ निकल रही है ये मुंबई की प्लाई में ही हो पाता है जी। इसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। जैसे मैं आपको बताया, ये जो ज्वाइंट दिख रहे हैं, ज्वाइंट में आप खांचा बनते हैं उसमें प्लाई लॉक होती है दोनों तरफ से, और लॉक होकर ऐसा प्रेस होगी और पूरी फिटिंग एलालाइट की रहेगी। गाइस ये थे कुछ हमारे JML और N ऑडियो के प्रोडक्ट्स। और भैया जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमें चाहिए या कोई कस्टमर खरीदना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? देखिए मेरा, मैं रायपुर से हूँ लोकल, है ना, तो रायपुर में मेरी शॉप है भैया। जैसे मैं आपको वीडियो में बताया कि मेरी शॉप है रिपेयरिंग की, मेन मेरा काम रिपेयरिंग का था। जी, तो मेरी शॉप है टीचर कॉलोनी कोटा में जी, जो कि रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है, है ना। और वहाँ पर आप आ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, बिल्कुल आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स। और सबसे अच्छी बात एक चीज़ बताने हो प्रशांत भाई, अगर आपके थ्रू कोई आता है तो मैं उसको स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा अपनी तरफ से। तो गाइज ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे भी नितेश भैया से कांटेक्ट करते हैं, मेरा वीडियो के बारे में बताइएगा आप इसके थ्रू आ रहे हैं, बिल्कुल आपको बहुत हैवी डिस्काउंट, जितने भी प्राइजेस आप देखे हैं और जितने भी प्रोडक्ट आप देखे हैं सब में हैवी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है भैया, तो ये वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। N ऑडियो से या JML से कोई भी डाउट हो आपको या कुछ भी जानकारी हो, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर जानकारी हो, ये नंबर आ रहा है उस पर आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।